डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर आमने सामने हैं और GIC लेक्चरर ज्वाइनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जब से सिलेक्शन हुआ है तब से सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो यही कि ज्वाइनिंग डेट क्या है या सर पोर्टल जो है वो खुलने की डेट क्या होगी। तो अभी 3 दिन पहले जो है वो DIOS और डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है, सारे के सारे DIOS और डायरेक्टर सर की मीटिंग हुई है और उसमें बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की गई और GIC लेक्चर ज्वाइनिंग पर भी बातचीत हुई है। बट अभी जो फाइनल एक डेट होनी चाहिए वो कि पोर्टल किस दिन खुलेगा, कब किस डेट को खुलेगा, इस बारे में कोई अभी सहमति नहीं बन पाई है। एक्चुअल में ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो शासन से भी कंडक्ट होता है, सिर्फ निदेशालय जो है वो इसका होल सोल जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं तो इस वजह से एक फाइनल डेट जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है कि इस दिन जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ये है कि कब होगा, लेकिन जल्दी ही करेंगे इस पर विचार किया गया है कि पोर्टल को जल्दी ही ओपन किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा इस पर जो है कोई भी अभी चर्चा नहीं हो पाई है। दूसरा एक और भी मुद्दा है कि अभी एक मेल लिस्ट जो है वो आपको पता है कि एक मेल लिस्ट जो है वो आई हुई है और उस मेल लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो वो मेल लिस्ट अगर आप गौर से देखेंगे तो जो पहले जैसी लिस्ट है वैसे ही है। एक्चुअल में इस बारे में भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास में, मैंने उनको आंसर भी किया तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में GIC जो है वो ज्वाइनिंग के पहले कभी भी कोई लिस्ट जारी नहीं करता है। लास्ट जो ज्वाइनिंग हुई थी उसमें भी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई थी, सिर्फ एक पेपर जो है वो जारी किया गया था और उस पर लिखा हुआ था, जो पेपर वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मेरे हिसाब से सभी के पास में भी है लास्ट ईयर का, अगर नहीं है तो आप लास्ट ईयर की लास्ट वीडियो मेरे देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ के आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये मेल लिस्ट जो है होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में भी मैं इसको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो GIC ने क्या किया था कि लास्ट ज्वाइनिंग जब हुई थी तब भी उसने जो है वो एक लेटर जारी कर दिया था कि भाई आप जो है इतनी इस डेट से इतनी डेट तक आप ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं और भर सकते हैं इसको, और उसमें भाई कॉलेज की लिस्ट आ गई थी, जितनी वैकेंसी थी उतने कॉलेज दिखाई देने लगे थे और सभी ने अपने प्रेफरेंस वाइज सारी की सारी जो है वो वैकेंसी भर दी थी कि भाई यहाँ यहाँ पर उनको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लिस्ट आ रही है वो ठीक है, अब वो एडिट होके आ रही है या कैसे भी आ रही है, लेकिन जो रूल है वो यही है कि GIC जो है इसके पहले कभी भी कोई भी लिस्ट जारी नहीं करता है। वो लिस्ट जब आप पोर्टल ओपन करेंगे तो जिस सब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो उसी सब्जेक्ट में वो सारी के साथ जितनी वैकेंसी होंगी उतनी ही आपको कॉलेज दिखाई देंगे और वो कॉलेज आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में अपने फिल कर देने हैं। इसके बाद एक मुद्दा जो कई बार अभी आया है कि सर GIC में अभी तक मेडिकल के लिए भी नहीं बुलाया गया है, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि GIC में मेडिकल नहीं होता है तो इसलिए आपको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा और पोर्टल को ओपन होगा। पोर्टल होने के बाद में ओपन होने के बाद आप जो है उसको सबको फिल कर देंगे, फिल करने के बाद में फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर वो लिस्ट शासन पर जाएगी, फिर वहाँ से आदेश होगा तब फिर आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। इस तरह की जो होती है वो प्रोसेस होती है। अब आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं और मैं एक काम ये करूँगा कि वो एक डाउट वाइज एक डाउट सेशन के वीडियो जो है वो मैं अपलोड अप करूँगा एक एक डाउट के, जिससे कि जो बहुत सारे सिमिलर डाउट आते हैं वो आपके ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि किस वीडियो में सर कौन सा डाउट है तो अब ये तो मुझे भी याद नहीं रहता कि किस वीडियो में मैंने क्या बोला है। वो तो उस समय जो भी चीज़ें आपकी आती हैं सामने उसी को उठा के मैं बोल देता हूँ। तो अब एक काम ये करेंगे कि एक डाउट सेशन का ही जो है वो वीडियो बना दिया करेंगे, जो जो आपके डाउट आते हैं
उस डाउट का ही एक वीडियो बना देंगे और उससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। एक डाउट ये भी आया हुआ है, ये अभी प्रीति जी का डाउट है। इसमें लिखा हुआ है कि सर ये GGIC और DDUC में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये GGIC और DDUC जो है थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया है। ये एक्चुअल में DDUC जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कॉलेज होती है, और यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो एक्चुअल में पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं, कोर्सेज करने के लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिल्ली में द्वारका में स्थित है। और GGIC तो आप समझ ही रहे हैं कि GGIC राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, ठीक है ना। ये जो इन्होंने पूछा डाउट है वो एक्चुअल में जो है वो जो कि GIC ने अभी जो मॉडल स्कूल मॉडल इंटर कॉलेज जो खोले हुए हैं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के नाम से हैं, अभी जो फीमेल लिस्ट आई थी तो उस फीमेल लिस्ट में जो है वो कई सारे नाम जो हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज उसमें लिखा हुआ है। एक्चुअल में वो राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जो हैं वो इसलिए खोले गए कि एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और ये GGIC के ही इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये उसी के इक्विवेलेंट हैं। बट थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो है इनमें थोड़ा सा आपको लोड थोड़ा कम मिलेगा, आप GGIC से मेन GGIC से लोड जो है वो थोड़ा सा, इस लोड ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रहती है। तो जो मॉडल स्कूल होते हैं उनमें थोड़ा सी ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलेगी, थोड़ा सा लोड भी कम मिलेगा, और जो GGIC होगा यहाँ पर आपको थोड़ा लोड भी ज़्यादा मिलेगा और फ्रीडम भी कम मिलेगी, ठीक है ना। तो अब मैं जो हूँ मैं आपके डाउट वाइज जो है डाउट सेशन जो है वो उस हिसाब से मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आपको हर एक डाउट के जो हैं वो आंसर मिल जाएँ कि भाई हाँ, जिसको जो डाउट आ रही हो वो एक बार उसको देखे इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये चल रहा है इसी प्लेलिस्ट में मैं इसको अपलोड कर दूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि जल्द से जल्द आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो आपके पास आ जाएँ। और भी कोई अगर यूज़फुल इंफॉर्मेशन मुझे लगी जो कि आपको देना चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।